के सेक्टर 14 जो कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज। दोस्तों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 के कॉलेज से, और जहां पर आप देख सकते हैं श्वेता मेनन जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, आपने इन्हें जरूर देखा होगा फिल्मों में, आपने पहचाना जरूर होगा, उनका स्वागत यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल उन्हें टीका लगाकर उनका स्वागत जो है वो फिलहाल करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और श्वेता मेनन जो कि काफ़ी समय से बता दें कि फेमिना मिस इंडिया के अंदर भी 1994 में वो ज़रूर जो है और मुझे लग नहीं रहा है, वैसे हरियाणा में पहले आ चुके हो। हाँ जी आ चुके, तो एक्सपीरियंस हरियाणा की पैदाइशी हुई है तो ऑब्वियसली। श्वेता जी मीठे मुंह तो करिए प्लीज। मैम पंजाब की पैदाइश है, पंजाबी में कुछ कहना चाहेंगे? बस चक दे फट्टे। तो यहाँ पर पहुंची हैं और बता दें कि सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो कि सिक्स्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है उस वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्वेता मेनन का स्वागत जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कई फिल्मों में इन्होंने अपना जलवा बिखेरा, काफी अच्छा रोल इन्होंने निभाया और बकायदा बतौर एंकर भी जो है उन्होंने काम किया है। और मैं चाहूंगा रश्मि जी से, नागी सर से कि तो आप देख सकते हैं हमारी ऑडियंस फिल्म फेस्टिवल जो पिछले काफी दिनों से यहां पर चल रहा है सेक्टर 14 के सब लोग वेलकम करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप देख सकते हैं श्वेता मेनन है, उन्हें फिलहाल स्टेज पर बुलाया गया है, दो चार बातें जो है वो फिलहाल जरूर करेंगे। सबसे पहले लोग उनका स्वागत जो है वो फिलहाल जरूर कर रहे हैं, देख सकते हैं कॉलेज। हमारे बीच में हमारे मेहमान है, देखिए कितने चुपचाप से पीछे। तो श्वेता मेनन है, उन्हें फिलहाल स्टेज पर बुलाया गया है। जगत में जिनका नाम है, जितने भी हमारे अरबिक कंट्री के जितने बड़े बड़े जो नाम है उनमें आपका एक नाम शुमार होता है। आइए पुष्पगुच्छ के नाम तो देख सकते हैं जो श्वेता मेनन है उन्हें स्वागत जो है उनका फिलहाल करते हुए जो सभी यहां पर लोग हैं। हेलो जी, कैसे हैं? चंदा, सचिन, यारी चंदा, बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे करनाल आके। मैं पहली बार करनाल आ रही हूँ और है
हुए किशोर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं आज केरला फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। एक छोटी सी फिल्म है जो मतलब हम लोग यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी एक्चुअली एक मिनिस्टर सर को देखा तो मैंने बोला वाह गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो जाए आगे जाके तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बट मुझे तो आप लोग को देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो श्वेता मेनन है उन्होंने सभी को फिलहाल बात की, लोगों से चार शब्द कहे और जो स्टूडेंट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जो जोश है वो भर चुका था। तो ये थी कुछ तस्वीरें हरियाणा के 6th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। और बता दें इजिप्ट से एक फ्रेंच स्टार भी जो है वो मौके पर आई है। बहुत सारे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स किए हैं और आज जो यहाँ पे एक फिल्म प्रदर्शित होने वाली है बदल, जो माओइस्ट पे है, वो भी एक फीमेल ओरिएंटेड ही है। तो बस मतलब मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे किरदार करने को मिला है, आगे और एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपने फिल्में कई बार देखी हैं, काफी समय से आपकी फिल्में जो हैं वो छोटे होते से देख रहे हैं। ऐसे मत बोलो। तो ऐसा है कि मैम ये मैं जानना चाहता था कि 32 साल का एक्सपीरियंस में आपने ऐसा क्या कुछ अनोखा हुआ आपके साथ, कभी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आप मॉडल भी रह चुकी हैं, आप बतौर एंकर भी रह चुकी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे लोगों को एक सीख मिले, या आपने कुछ ऐसा यानी कि उसका कोई निचोड़ ऐसा बताइए जो आपने 32 साल में अपना महसूस किया है? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी। मुझे लगता है मुझे ऑफर्स आते रहे, आई थिंक आई बीन वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, मुझे ऑफर्स आते रहे। मैंने सोचा कि एक टाइम पे था कि टेलीविजन नहीं कर सकते अगर आप फिल्म करते हैं, टेलीविजन ऑफर आया, टेलीविजन किया, फिर फिल्म में भी बैलेंस की, मॉडलिंग तो ऑब्वियसली आई वाज मिस इंडिया एंड ऑब्वियसली मॉडलिंग वॉज अ नॉर्मल थिंग, बट मुझे बस ऑफर्स आते रहे। ऐसे ऐसे ऑफर्स आए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारी हीरोइंस को नहीं मिलती हैं, तो आई जस्ट बीन वेरी लकी। थैंक यू। समाज से जो आज जो है सिनेमा की दशा और दिशा बदल रही है मैम, उस नाते से आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन करती हैं, किस तरह की उम्मीद करती हैं कि सिनेमा और बेहतर कर सकता है, सिनेमा को और क्या करना चाहिए, किस तरह की उम्मीद सरकार से, उससे किस तरह की उम्मीद करती हैं कि और बढ़िया हो सिनेमा में और कुछ चेंज आए? बेसिकली मैं हर समय सोचती हूँ कि जैसे अभी कोविड के बाद अभी हम लोग थोड़ा उभर के आ ही रहे हैं, मतलब लोग अभी धीरे धीरे थिएटर्स जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी फिल्में, अच्छे स्टोरी लाइन, अब क्या है कि हमारे ऑडियंस भी उनको भी मालूम पड़ गया है कि क्या है अच्छा क्या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी क्या OTT है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आजकल घर पर ही देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि अब थिएटर में अगर कुछ पर मुझे मैं कुछ भी बोलो मुझे लगता है फिल्म हो तो थिएटर में हो, नहीं तो वो फिल्म नहीं है, क्योंकि आप OTT बना लो, कुछ भी बना लो, पर जो थिएटर की जो फीलिंग होती है ना, और वो भी 250 या 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाने में वो मज़ा अलग ही है और वो आपको घर पर नहीं मिलेगी। संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर के, आप इस इन्हें हरियाणवी सिनेमा का पवन पुत्र हनुमान भी कह सकते हैं।
मैडम हम ये भी जानना चाहते हैं की तरफ जाएंगे तो तमिल और तेलुगु सिनेमा पर आएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्टिव सिनेमा है वो बंगाल का सिनेमा है, लेकिन इन सारे सिनेमाओं को अगर मिला दिया जाए तो वो हिंदी का सिनेमा है जिसकी अपनी कोई रीत नहीं है। ठीक है, तो अभी एक इन्होंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया और आई सल्यूट हिम कि उन्होंने हमारे मित्र के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया कि हरियाणा में मृत प्राय जो सिनेमा है उसकी संजीवनी लाने का। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी सारे लोग सवाल जरूर कर रहे हैं और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।